24 लाख बहुत बड़ा। जो आदमी 24 लाख आदमी की आवाज नहीं सुन सकता, कई लाख किसान जो किसानों की बात नहीं सुन सकता, उनके ऊपर गोली चलवा देता है, उनके ऊपर आंसू गैस के चलवा देता है, तो बताओ फिर वो प्रधानमंत्री किस सूरत से देश की जनता उसे प्रधानमंत्री मान रही है, किस हिसाब से, किस मुद्दे से कह रही है कि विदेश में डंका बज रहा है। अरे विदेश में डंका बजो या ना बजो, डंका असली बजना यहाँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह जंतर मंतर पे मौजूद हूं और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, मैं आपको कहूंगा कि इनको दिखाएं। ये आप देखिए, जबान जो होती है, जब जबान मुखर होती है तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। हालांकि ये बैसाखी पर है, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो मुखर होकर बोलते हैं। और आज बच्चों को नैतिक समर्थन देने यहाँ जंतर मंतर आए हैं। पेपर लीक हुआ है, सरकार मान नहीं रही है, 24 लाख बच्चे जो हैं उनके भविष्य का मामला है, कैसे देखते हैं इसको? देखो पत्रकार महोदय, देखो हम तुम्हें इतनी सी बात बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे कि पहले भी एक आंदोलन हुआ था, वो था लड़कियों का पहलवान बेटियों का। यही जंतर मंत्र की बात है, उस टाइम भी हम आए थे, तो यहाँ पर वो लड़कियां कम से भी कम नहीं तो 1.5 महीने तक बैठी रही, लेकिन वो चिल्लाती गिगाती रही, लेकिन पूरे देश ने उनकी बातों को सुना, लेकिन जो सरकार थी उसने नहीं सुना। अब ये बताओ, कोई अपनी बहन बेटी अपनी कोई ऐसी तो है नहीं जो अपनी इज्जत को उड़ा दे सब देशवासियों के सामने, लेकिन वो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्हें तो ये बोलना चाहिए था कि बेटियों आप विदेश से जीत के आई हैं, आप हमारे देश की बेटियां हैं, हमारा जो देश है गर्व से सर ऊंचा करा है, आप जीत के कप जो गिलास लई हैं, तो हम तुम्हारी बात रखेंगे और तुम्हारी इंसाफ तुम्हें दुआएंगे। प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री तो इंसाफ तो अलग की बात है, हमारी उन बेटियों के साथ ऐसा दुर्भाग्य करा गया कि उनको यहाँ रोड पे जंतर मंतर पे उनको घसीटा गया। दुनिया ने देखा, दुनिया रो पड़ी, यानी कि हम तक भी रो पड़े। उस टाइम हम यहीं थे जब हमने, चलो हमसे तो खैर पुलिस वाले ने कुछ नहीं कहा, कहने लगे बाबा आप तो वैसे ही मरे पड़े, आप तो अपाहिज है, आपसे क्या कहें। लेकिन जो दूसरे जो बिचारी बेटियों के जो हित में आए थे उनके ऊपर लाठी चार्ज गया ऐसी बेरहमी से। आज उसके बाद में भी देखो आज क्या हाल हुआ। आज देखो ये केजरीवाल के जो यहाँ के आए हैं, ये किस बात पे आए हैं, मुद्दे पे आए हैं कि कम से भी कम नहीं तो 30,000 जो छात्र हैं जिनने फॉर्म भरे हैं वे फॉर्म लीक हो गए। अब ये बताओ, यहाँ भी सामने कहीं अलीगढ़ में भी, इधर में महाराष्ट्र में भी, जहाँ नौकरियों के लिए अपनी जो ये छात्र जो मेहनत लगाते हैं, पढ़ाई में पैसा लगाते हैं, और जब इनके वो आते हैं तो वो लीक माने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो एक ऐसे होने चाहिए कि भाई मेरा देश है, मेरे देश के अंदर मेरे बच्चे हैं, जब मैं ये कसम खा के चला था कि भाई मैं देश को संभालूंगा, मैं देश को हर चीज की सुविधा दूंगा, हर चीज की बात रखूंगा, तो उसने देश को संभाला कहां? देश पे बैठते ही तो उसने ये कर दिया कि सबसे पहले के मैं काला धन लाऊंगा, काला धन भी नहीं आया, उसके बाद में नोटबंदी कर दी, दुनिया के पास पैसा था वो सारा पैसा किसी ने फेंक दिया, किसी ने जला दिया, किसी लेन में मर गए। ये अच्छा काम नहीं, कोरोना काल में जब लोग बाग अपने बिहार गुजरात नेपाल भूटान जाने कहां कहां की जनता जब रोडों पे चली थी, प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि लो भाई हम तुम्हारे लिए बस लगवा दें या रेल लगवा दें। लोग पैदल चले, कितने लोग मर गए, कितनी लाशें गंगा जी में जड़ाई गई, कितनी लाशों को कुत्तों ने खाई। इस टीवी पर बैठ के प्रधानमंत्री भी इस बात को देखते होंगे, इस बात को सोचते होंगे, आखिर को वो भी एक इंसान है। इंसान का होने का मतलब यह है कि ये जो हमें बनाया गया है, प्रधानमंत्री इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि भाई ये जो हमें जो बनाया गया है, भाई हमें भी तो किसी ने बनाया है और हमें फ्री में आंख दी, फ्री में दांत दिए, फ्री में हाथ दिया, फ्री में पैर दिया, हमें बोलने की शक्ति दी, हमें पैसा नहीं लगा, और जिसने ये हमारा पूरा ढांचा एक रूह जिसने हमें फ्री में डाली है, भाई वो कितना बड़ा आदमी होगा, कितना बड़ा महान होगा, हमें सबसे पहले उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, हमें एक दिन उसी का पास जाना है, हमें वो सवाल देना है कि भाई जिसने हमें उतारा है और जिसने हमें ये दुनिया दिखाई है, और वो ही हमें एक दिन लेगा और हमारी रूह से ये सवाल करेगा कि भाई मैंने तो तुम्हें अच्छे काम के लिए उतारा था,
लेकिन इतनी साल मैंने दी, इतनी साल में तैने इस धरती पे बता हत्याचार के अलावा तैने कोई नेकी का काम करा? और जो उसके पास ये सवाल होगा कि भाई मैंने नहीं करा, तो देखो ये हिंदू और मुसलमान में भी लिखा हुआ है कि सुरग और नरक, जन्नत और दोजक। नरक कोई मामूली चीज नहीं है और जो जहन्नम है वो कोई मामूली चीज नहीं है। आदमी कह तो देता देख लूंगा मैं, तू क्या देख लेगा, ना तेरा भाई होगा ना तेरा बंद होगा। आप बताइए, आप लगातार कह रहे हैं ये सारी बातें, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो नरेंद्र मोदी तीन बार, तीसरी बार जीत कर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता तो जनता उनको मैंडेट क्यों देती, इतना क्यों देती? देखो एक बात हम तुम्हें बताएं, ये जो सरकार है ना, अभी नीतीश कुमार की बात थी, एक और है नायडू, दोनों की बात है। अभी ये सरकार जो है ना, इस बैसाखी पे चल रही है जैसे मैं चल रहा हूँ, समझ रहे हो? ये जो है ये भी गठबंधन की सरकार है, लेकिन ये जो 72 मोदी के साथ हैं, अगर ये 72 आदमी अगर आपका पद अलग कर लेते हैं और ये कहते हैं इस बात को कि देखो जी मोदी जी, देखो आप जो अगर ये ऐसा जुलम अगर करोगे, अगर आप किसी को हक नहीं दुआओगे या आप किसी से ऐसी वैसी बात करोगे तो देखो हम तुम्हारे साथ नहीं है, तो मोदी सरकार जो है वो कुछ कर नहीं सकती। क्यों कि मोदी भी अब उम्र के ताल्लुक हो गए, अब उन्हें भी इस बात को देखना चाहिए कि भाई देखो हिंदुस्तान के अंदर एकता है। क्यों? प्रधानमंत्री हमारे भारत के रहने वाले, हमारे भारत में उनका जन्म होगा, समझ रहे हैं? लेकिन उन्हें बुजुर्ग आदमी है, देखो उनकी पलक सफेद हो गई, दाढ़ी सफेद हो गई। अब तो हम भी उनसे ये कहते हैं कि देखो प्रधानमंत्री है लेकिन ऐसा जुलम मत करो। वही गाना ना चल जाए कभी के राम ना करे, इस देश में कोई ऐसा भी नेता मिले जो आप भी डूबे और देश भी डूबे, साथ में जनता को भी ले डूबे। तो इसका यह अर्थ होता है कि वो तो सोच रहा है कि मैं तो मरूंगा मैं, साथ में दुनिया को ले मरूंगा। तो हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी आप भी मत मरो और दुनिया को भी मत मारो, आप भी खुश रहो दुनिया भी खुश रहे, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन आप अगर ऐसी ऐसी बात करोगे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जनता है ना, ये जनता इतनी जो करोड़ है ना, ये माफ नहीं करेगी। जब धरती पे माफ नहीं करो तो फिर तुम्हारी रूह को कैसे ऊपर वाला माफ करेगा? जिसने डाली है वो रूह वो कैसे माफ करेगा? तो आप सोचने का कष्ट करें, थोड़े दिमाग में जोर दें। और जो वे 72 आदमी है, उन 72 आदमी जो मोदी के साथ हैं, जो नेता पक्ष हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि इस मोदी को समझाने का कष्ट करें और ये रखें कि जिस प्रांत में इनकी सरकार है तो उन प्रांत के जो नेता हैं वो अपने इस बात को हल्के में ना लें, इस बात को गंभीरता से लें कि भाई हमारे देश में एकता रहे, हमारे देश में भाईचारा रहे, हमारे देश में संविधान बना रहे। हमारा जो देश है वो बाहर की कंट्रीज है मुकाबले के लिए, क्यों? हमारा जो देश है ये गुलमर्ग की तरह है, इसमें 70 गुल है, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गुजराती मराठी नेपाली गुजर जाट ब्राह्मण हर तरह की देखो बिरादरी है, लेकिन ये सबसे मिलकर चलता है। अगर हमने इसको एक तराजू में अगर तोड़ लिया, एक तराजू में कहने लगे कि नहीं ये तो सिर्फ मेरे ही राज है, मैं अकेला सब पे भारी, तो देखो गरूर मत करो, गरूर रावण का नहीं चला। तो मोदी जी तो कहते हैं कि मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा समाज में रहने के लायक नहीं रहूंगा। आपने ये देखा दिल्ली के अंदर कैसा अत्याचार हुआ जहांगीरपुरी में, देखा आपने? आपने गाजियाबाद में देखा, आपने अलीगढ़ में देखा, आपने महाराष्ट्र में देखा, आपने निजामुद्दीन में देखा, आपने सहनबाग में देखा। अगर ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं होता तो आज करोड़ों आदमी ये नहीं कहते कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मस्जिद हटाएंगे, मुल्लान को काटेंगे, उनका बुरका उतार के फेंक देंगे। अरे जब ऐसा तुम्हारा अगर कोई मुख्यमंत्री कह रहा है या कोई नेता अगर कह रहा है तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनको सीख दो कि देखो बेइज्जती मेरी है भाई, मेरे ऊपर असर पड़ता है, जनता मुझे गाली देती है, मुझसे नाराज होती है, तो आप ऐसा मत करो। क्योंकि आप हिंदू अगर मुसलमान करोगे तो देखो इसमें वही वाली बात है कि देखो मेरी जो मट्टी है वो पलित होती है। तो आपसे हम भी गुजारिश कर रहे हैं, आपसे हम भी दुआ कर रहे हैं कि देखो देश के प्रधानमंत्री हैं आप, हम तुम्हें फकीर भी मानते हैं, हम तुम्हें जो है ना चाय वाला भी मानते हैं, हम तुम्हें है ना नेता भी मानते हैं, लेकिन मानेंगे तब जब अच्छे काम करेंगे तब। अगर आप अगर बुराई के रास्ते पे जाएंगे तो हम देखो ये तो पढ़े लिखे हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हम ही नहीं मानेंगे, हम ही कह देंगे इस बात को नहीं है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री का काम होता है देश की सुरक्षा करना, प्रधानमंत्री का काम होता है देश की आवाज उठाना, प्रधानमंत्री का काम होता है बेरोजगार को रोजगार देना, प्रधानमंत्री का ये काम नहीं होता है कि पूरे जितने भी नेता हैं वो तो धरे रहे यहाँ और मेरा अब राज हो गया तो मैं जा रहा हूँ विदेश। वहां
प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करा करते, प्रधानमंत्री तो नू कहते हैं भाई देश में क्या है, देश चला गया हमने टहलने फिरने के लिए, बोलो मेरी बेटियों और बोलो मेरी बहनों और बोलो मेरे भाइयों तुम्हें किस चीज की परेशानी है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, अगर मैं अगर कह रहा हूँ तो मेरे फलाने नेता आएंगे वो आपको समझा के चले जाएंगे, तो हम भी उनकी गुजारिश करते हैं। इस पेपर लीक पर क्या कहेंगे, 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसको कैसे देखते हैं? तो इसके जिम्मेदार मोदी हैं और है कौन, ये मोदी हैं, मोदी का राज है, मोदी करेंगे 19 काम को, अगर मोदी अगर इस काम को नहीं करेंगे तो अभी तो 24 लाख कोई मामूली, 24 लाख बहुत बड़ा, जो आदमी 24 लाख आदमी की आवाज नहीं सुन सकता, कई लाख किसान जो किसानों की बात नहीं सुन सकता, उनके ऊपर गोली चलवा देता है, उनके ऊपर आंसू गैस के चलवा देता है, तो बताओ फिर वो प्रधानमंत्री किस सूरत से देश की जनता उसे प्रधानमंत्री मान रही है, किस हिसाब से किस मुद्दे से कह रही है कि विदेश में डंका बज रहा है। अरे विदेश में डंका बजो या ना बजो, डंका असली बजना यहां है कि जो देश की जनता अगर यहाँ की सुखी रहेगी तो ये देश की जनता आवाज भी उठाएगी कि प्रधानमंत्री चौथी बार भी आएंगे, पांचवी बार भी आएंगे, और जब उनकी आत्मा को ये दुखाएगी सुखाएगी, एक बात बताओ कोई चिट्ठी तो लिखवा के नहीं लाया प्रधानमंत्री कि मैं इतनी साल में मरूंगा, मौत और जिंदगी उसके हाथ में, कल को प्रधानमंत्री ना रहे और इसकी रूह से ये सवाल पूछ लिया कि इतने आदमी इनका तू हत्या रहा है, तो यहाँ तो कम जनता जाने कितनी हजारों सालों से है ना उसके पास रूह कब्ज है, इतने इंडिया तो क्या ऐसी हजार इंडिया भी अगर इस देश में अगर बसना चाहे ना तो बस सकती है, इस देश में जगह इतनी दे रखी है ऊपर वाले, जहां तक ये लीली 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 जो ये आकाश है ना उतनी जगह भी है, समझ रहे मेरी बात, लेकिन प्रधानमंत्री का समझ नहीं आती, प्रधानमंत्री पता नहीं कौन सा ऐसा नशा करता है और नशा करने के बाद में बेहूदे भाषण देता है, बेटी बटाओ बेटी पटाओ बेटी पटाओ बेटी है। अरे ये और फिर वो जुमला, झूठ पे झूठ बोलो फिर झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो फिर ये झूठ बोलो, अरे एक बात बताओ ये जो तुम प्रधानमंत्री हो गए ये जो झूठी झूठ का जो तुम्हारे मुंह से ही कह रहा है, तो फिर ये जनता जो ये जनता क्यों नहीं समझ रही, ये जनता समझना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, मैं उम्र में बड़ा हूं राहुल से भी और प्रियंका से भी, मैं उम्र में बड़ा हूं 2-3 साल, वो छोटे होंगे, लेकिन उन बच्चे इनके लिए ये दुआ करता हूं कि भाई वाकई में असली माँ बाप के असली बेटे हैं, असली माँ बाप के असली बेटे हैं वो, जो अपने गरीबों के लिए, तुम जैसोन के लिए, हम जैसोन के लिए वो देश की आवाज उठा रहे हैं, देश की आवाज पे वो लड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई मेरी जनता मेरी दुनिया को रोजगार मिले, उन्हें नौकरी मिले, उन्हें शिक्षा मिले, उन्हें ज्ञान मिले, उन्हें पढ़ाई मिले, उन्हें पानी मिले, उन्हें नलका मिले, उन्हें सारी चीज की सुविधा वो कांग्रेस पार्टी उठा रही है, और देखो आगे भी यही है कि अभी 234 पे आई अखिलेश गठबंधन, 234 पे आए, 240 पे आए, आगे जो अब ये चुनाव 2 महीने में जो होने वाले हैं इनमें देखते हैं क्या बातें। हम तो यही गुजारिश करते हैं कि देखो प्रधानमंत्री आप जो ये काम कर रहे हैं ये बिल्कुल ना गवारा है पूरे भारत को पूरी इंडिया को, आप समझ लो। ये हमारे साथ आम आदमी थे जो यहाँ बात कर रहे थे और बता रहे थे कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार निरंकुश फैसले ले रहे हैं इस पर अविराम और तुरंत रोक लगनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भविष्य की, बच्चों के भविष्य की, देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आप बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।